स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव बच्चों के लिए घातक हो सकती है और स्कूल भी खुलने का आदेश हो चुका है 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ। तो इसी मामले में जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उन अभिभावकों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से, किस प्रिकॉशन के साथ अपने बच्चों को आप स्कूल भेजें। विवान चाइल्ड केयर डॉक्टर विवेक सिंह, जो नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इनसे कुछ खास बातचीत हम करेंगे। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि डॉक्टर साहब इस मामले में क्या बताते हैं और बदलते हुए मौसम के बारे में क्या है और किस तरीके से आप अपने बच्चों का रखरखाव करें और कैसे बच्चों का बचाव करें। आज हमारे बीच में मौजूद हैं विवाइन चाइल्ड केयर के डॉक्टर विवेक सिंह साहब। और कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, इसी दौरान स्कूल भी खुल गया है, स्कूल बच्चों का भी खुल गया है और बच्चे डॉक्टर साहब जानते हैं, बताते हैं आप लोग कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इन बच्चों को भी कोरोना थर्ड वेव है बच्चों को ही प्रभावित करेगी। तो ऐसी स्थिति में किस तरह का सुझाव आपका है और क्या करना चाहिए? अब पढ़ाई भी ज़रूरी है। शुरुआत से शुरू करते हैं, जब कोरोना शुरू हुआ था तो बात हुई थी कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। बेसिकली ये एक तरीका है, एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि हमारा काम है कि जब रोग हो गया तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो विभाग बताता है कि कैसे रोग को ना होने दिया जाए। तो जितने भी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो वहाँ पर पहले से संक्रामक रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो संक्रामक रोग को रोकने का एक तरीका है, चूँकि अब ये बहुत से जैसे हेपेटाइटिस ए है तो वो फीको ओरल रूट से फैलता है, खाने पीने से फैलता है, वैसे ही ये इन्फ्लुएंजा है या कोरोना है, ये सारे छींकने खांसने से ड्रॉपलेट्स बनती हैं और आदमी तक पहुंचता है। ठीक है, तो मतलब आदमी छींकेगा तो हमने मास्क लगा लिया। अब हमें हुआ है, हमने मास्क लगा लिया तो हो सकता है फैलेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ड्रॉपलेट्स जा रही हैं कुछ दूर तक हवा में तैरेंगी और फिर इसके बाद जमीन पर बैठ जाएंगी। तो जो 2 गज की दूरी है वो उसी का एक फंडा है कि आप कुछ दूर रहेंगे तो हो सकता है आप तक ना पहुँचे। तो शुरुआत वाली जो चीज़ है वो तो हमेशा रहे कि बच्चे को स्कूल भेजें तो मास्क लगा के भेजें, उसको सैनिटाइज़र दे के भेजें या समझा के भेजें कि अपने दोस्तों मित्रों से मिले, बचपना है करेगा ही। ठीक है, लेकिन वो एक प्रॉपर चीज़ समझाना कि बच्चा किसी भी दोस्त से मित्र से बहुत गलबहियाँ करके ना रहे, थोड़ा दूरी पर ही रहे। किसी को छींक खांस आ रही है तो बल्कि वो बच्चा स्कूल नहीं भेजा जाए तो अच्छा। तो इस तरह से प्रिकॉशन लीजिए। अगली चीज़ है वैक्सीनेशन, तो बच्चों में अभी कोई भी प्रूवन वैक्सीन आई नहीं है इंडिया में, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि बच्चे जो होते हैं उनका जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो जितने छोटा बच्चा है उतना ही कम होगा, तो माँ बाप को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। जो स्कूल के टीचर हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रॉपर शुरुआती जो कोरोना शुरू होने के बाद जो प्रॉपर गाइडलाइंस थी जो रोकथाम की, क्योंकि हमारे पास इलाज तो दूसरा स्टेप है, रोकथाम में बच्चों का वैक्सीनेशन का ऑप्शन है नहीं। वैक्सीनेशन का ऑप्शन हटा के जो भी रोकथाम का प्रोसेस है वो सारा माने तभी बचा जा सकता है। आखिर डॉक्टर साहब थर्ड वेव में कैसे पता चल रहा है कि बच्चों को ही कोरोना होगा, बच्चों की ये थर्ड वेव है? ये ऐसा है कि ऐसा कैसे बनाते हैं, कोई क्या उनका अनुमान है, मोटा मोटी इस तरह से देखिए कि जब शुरुआत हुई थी कोरोना की तो एल्डरली जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो ज़्यादा हिट हुआ था, उसमें मॉर्टिलिटी भी ज़्यादा हुई थी, उसमें मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा हुई थी। तो लेकिन जब इम्यूनाइजेशन शुरू हुआ है तो एल्डरली लोगों से शुरू हुआ है। अभी एल्डरली लोगों का हो ही रहा था कि जब तक सेकेंड वेव आ गया, सेकेंड वेव आ गया तो उसमें ये देखा गया कि मोस्टली यंगर जनरेशन जो है, जो 30-50 तक वाला एज ग्रुप है, वो ज़्यादा हिट हुआ है, क्योंकि वो नहीं इम्यूनाइज नहीं है। तो मैं भी इस थ्योरी पर ही लोग सोच रहा हूँ कि बच्चे अभी अनइम्यूनाइज हैं तो वो ज़्यादा हिट हों, लेकिन इम्यूनाइजेशन तो पहले भी नहीं था बच्चों का, पहले 2 वेव्स में भी नहीं था। ठीक है, तो उसमें तो उतना नहीं था, फिलहाल देखते हैं, सारी स्पेकुलेशन है थर्ड वेव का देखा जाए। अच्छा, इस समय जनरल किस तरह की बीमारियां, किस तरह के रोगी बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं इस समय? ज़्यादातर जब से बारिश शुरू हुई है ये कॉमन कोल्ड या फीवर के साथ बच्चे आ रहे हैं। अभी वही जिसको आप बोल चाल की भाषा में कहते हैं कि सीजनल बुखार, मतलब मियादी बुखार, मौसमी बुखार जिसको आप कहते हैं, तो उस तरह का ही बुखार आ रहा है। यूजुअली ये बहुत तरह के वायरस हैं जिनके थ्रू ये होता है। यूजुअल सी बात होती है कि बुखार आएगा, जब भी आएगा तो बहुत हाई ग्रेड का शुरू होगा, जैसे टाइफाइड है या कोई अन्य फीवर है, तो वो धीरे 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 बढ़ेगा, 4 दिन 5 दिन में तेज होता जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं पहले दिन से ही बहुत हाई होते हैं,
अगर बच्चे में कोई और समस्या नहीं हो, पेशाब में कोई जलन नहीं हो रही है, कोई दस्त नहीं हो रहा है, कहीं कोई फोड़ा फुंसी नहीं बना है, फेफड़े में कोई पस नहीं भरा हुआ है, कहीं लीवर में कोई पस नहीं भरा हुआ है, मलेरिया की कोई संभावना नहीं लगती है, जो कि आप यूजली बच्चा देखते समय किनारे करते हैं, क्योंकि एक तरह से डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है ना, आपने जो भी और चीज़ें हैं उनको किनारे कर दिया। वायरल फीवर है तो उसमें कोई सारा का सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहना है, ठीक है। बाकी अगर कोई फीवर रहता है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक मैनेजमेंट करना है, मलेरिया तो मलेरिया के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है, डेंगू पकड़ में आता है क्योंकि अब सीज़न बारिश का हो रहा है तो उसमें डेंगू भी आ सकता है, उसी तरह के फीचर्स के साथ, ठीक है। आमतौर में किस उम्र के बच्चे इसमें चपेट में आ रहे हैं? ज़्यादातर बच्चे हम लोग के यहाँ अभी टोडलर्स हैं और यंगर एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, अभी तक मैक्सिमम बच्चे जो आए हैं जो बुखार के साथ उनका एज ग्रुप ये ही 1 साल 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं, उसके ऊपर वाले थोड़ा कम। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए वही सारी चीज़ें हैं कि अगर जो भी आदमी बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है तो बच्चों के संपर्क में आने से पहले अपने जो भी कपड़े हैं उनको हटा ले, बदल ले, नहा ले, धो ले, थोड़ा साफ सफाई करके अंदर जाए। पूरा कहानी जो हमने बताया जैसे ना कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब जिस तरीके से कोरोना से बचाव करना उसी तरीके से वायरल नहीं, देखिए कोरोना के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बताया गया है, ये चीज़ सारी संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है, यानी ये पहले से चीज चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, उसको अब इतना एम्फेसाइज किया गया है कुल कोरोना में तो लोगों को लगा कुछ नई चीज़ है, कुछ नई चीज़ नहीं है, ये पहले से भी है। मास्क लगाइए, ठीक है ना, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है ना, ऑपरेशन थिएटर में जैसे एक यूजली सी बात होती है, लोग समझते हैं भारत में अभी तक मास्क नहीं लगाते हैं कि हम बचने के लिए, नहीं, हम इसलिए करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं उसमें तमाम बैक्टीरिया निकल रहे हैं, मान लो हमको थोड़ा कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हमको छींक खांस आ तो नहीं रही है लेकिन कोई वायरस रह रहा है, तो हम जब बोलेंगे बात करेंगे ड्रॉपलेट्स बनेंगे तो उसमें छींक, तो ऑपरेशन थिएटर चाहे जहाँ पे भी जो प्रोसीजर होते हैं वहाँ पे लोग पूरी तरह से साफ होके जाते हैं, क्यों, हमसे पेशेंट को कुछ ना चला, कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई स्पोर चला गया जो उसमें सेप्सिस काज कर देगा, तो एसेप्टिक कंडीशन बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हैं, इनको अब इम्पोज किया जा रहा है क्योंकि एक मीन्स है कि कोई भी अगर संक्रामक बीमारी है तो उससे बचने के एक है। अब मान लीजिए यही कोरोना अगर खाने पीने से फैलता तो वो सारी चीज़ें बताई जाती कि हाथ धोइए खाना खाने से पहले, नाखून काट के रखिए, आपकी थाली साफ़ होनी चाहिए, खाना बनाने वाले का हाथ साफ़ होना चाहिए, आप जहाँ से सब्ज़ी खरीद के ला रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ कीजिए, तो जैसा वो ट्रांसमिशन का चेन है उसके हिसाब से। और फ़र्ज़ करिए कि अगर मलेरिया की तरह से फैलने वाली चीज़ होती तो कहते कि भैया जैसे वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको कि कहीं कूलर में पानी नहीं छोड़िए, कहीं पानी अगर सड़ रहा हो टायर में तो उसको फेंक दीजिए, मॉस्किटो नेट लगा के छोड़िए, तो वही निर्भर करता है कि जो इसको फैलाने वाला कारक है वो क्या है, उसी पर रोकथाम की जो मैंने बताया कि थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, उसका काम ही यही है कि कैसे रोकथाम की जाए बीमारी, वैक्सीनेशन भी उसी का एक हिस्सा है, बीमार को रोकना कैसे, ठीक ना। हम जो यहाँ बैठे हैं हम तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो बच्चा मान लो पेशेंट निमोनिया लेके चला आया, निमोनिया बहुत वजहों से हो सकती है, एक कारण उसमें से मान लो आजकल कोरोना भी आ गया है, तो कोरोना आएगा तो अब वो चूँकि उसके पास हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका, ठीक है ना, कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो अब उसी पे चलता है कि कोई बीमारी किसी को हो रही है, तो बहुत से लोग होते हैं जिनमें सब क्लिनिकल, सब क्लिनिकल का मतलब कोई उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को कोरोना हुआ पता ही नहीं चला, ठीक है, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें सिम्टम आ रहे हैं लेकिन बहुत माइल्ड है, 4 दिन 5 दिन गड़बड़ रहा फिर इसके बाद ठीक हो गया, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं लेकिन बच जाते हैं, और कुछ ऐसे कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं जो कि नहीं बचते हैं 4%, तो वैसे ही हर बीमारी का बनता है, हर बीमारी का, बरसात का मौसम आ रहा है धीरे धीरे मलेरिया डेंगू दिमागी बुखार जापानीज इंसेफेलाइटिस सब फैल रहा है, तो फैलेगा धीरे धीरे, तो इनसे भी बचाव के वही तरीके हैं जो उनको कारक है, जो उनको फैलाने का कारक है, जो वेक्टर है, जैसे बोलते हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं सारे, किसी एक चीज़ से मच्छर से या मक्खी से या किसी अन्य चीज़ से फैल रही है, तो इनके रोकथाम की ऐसे ही कुछ गाइडलाइंस हैं जो अभी हम कोरोना के लिए पढ़ रहे हैं कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, सही है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।